ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल का कंसेप्ट, ठीक है बेटा, एंगल्स। एंगल क्या होता है, व्हाट्स एंगल? सो इट्स गिवन रे, दिस रे इज नोन एज इनिशियल रे, ठीक, दिस इज इनिशियल साइड, यू गॉट इट? अगर हम इस रे को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेशन के दो तरीके हैं, कहां से रोटेट कर सकते हो, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। फैन कैसे चलता है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। जरा इशारा दिखाओ, फैन कैसे चलता है, ठीक, इस आपने बताया, आप बताओ, ठीक ठीक, यस इट इज गो, हाउ, ठीक, फैन नहीं देखा है, गौर करना चाहिए ना, तो फैन चलता है इस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फैन चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर? तो अगर यहां पे ये रे है, इस रे को हम रोटेट करेंगे, दो तरीके हैं रोटेशन के, एक ऐसे, क्लियर, तो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने रोटेट किया ऐसे यहां तक से फॉर एग्जांपल, तो ये जो रे है इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, दिस इज योर इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड एंड दिस इज द डायरेक्शन, आपने टेंथ नाइन्थ में पढ़ा है, वहां पे आप सीधे प्रोजेक्टर लेते थे, एंगल को मेजर करते थे, बस दैट्स इट, वहां पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन इस बार हमें डायरेक्शन को भी देखना है, अगर हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, तो यहां पे क्या क्या आ गया, इनिशियल साइड, द वर्टेक्स एंड द टर्मिनल साइड एंड दिस इज द मेजर, दिस इज एंगल, क्लियर, यू गॉट इट, यस सर। और जो एंगल जब हम रोटेशन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी एंगल वहां पे बनता है, दैट एंगल इज पॉजिटिव एंगल, कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एंगल, क्लियर। अगर हम फिर से रे लेंगे यहां पे, दिस इज गिवन रे मींस इनिशियल साइड, और इस बार हम रोटेट करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इन दिस डायरेक्शन, इफ इट इज दिस, तो यहां पे हो गया टर्मिनल साइड, एंड कुल मिला के इसको क्या बोलेंगे, दिस इज वर्टेक्स, और कुल मिला के यहां पे जो एंगल बना, एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, बट द एंगल इज नेगेटिव, दिस एंगल इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे, नहीं समझा, समझ आया, तो व्हिच एंगल इज दिस, पॉजिटिव एंगल, बिकॉज हमने रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल, हमने कहां से रोटेशन की, गॉट इट, ये हो गया डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छा, अगर आप प्रोटेक्टर ले लोगे, से फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ गया, माइनस 30 डिग्री, क्या प्रोटेक्टर पे कहीं पे भी नेगेटिव है, अगर आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करोगे कितना आएगा वहां पे, 30 आएगा, नॉट माइनस 30, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ रोटेशन, बट एंगल जो होता है, जो भी मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ्स होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नहीं समझा, जैसे हम लेंथ की एक बार हमने बात की थी, अगर यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, यहां पे भी 10 है, क्या ये माइनस 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर पॉजिटिव है,
क्योंकि हमने मॉडुलस मॉडुलस पढ़ा है गिव्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू. लेंथ इज नेवर पॉजिटिव. लेंथ इज नेवर नेगेटिव. लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है. चाहे वो डायरेक्शन में तो -10 किलोमीटर आ रहा है बट 10 किलोमीटर जो है वो पॉजिटिव है. इसी तरह एंगल रोटेशन के सेंस में ये एंगल पॉजिटिव है और ये एंगल नेगेटिव है. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. ये पहला कांसेप्ट होगा. गॉट इट? दूसरी चीज हमने पढ़नी है मेजरमेंट ऑफ एंगल. ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें आता है डिग्री मेजर. ध्यान रखो, डिग्री मेजर. क्लियर? फिर बिल्कुल ध्यान. बस देखो, डिग्री मेजर की बात करेंगे. ये नहीं क्या हम कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. लेट अस कंसीडर दिस, कौन सा ओ एक्स. लेट अस कंसीडर ओ एक्स एज इनिशियल साइट. विच साइट? इनिशियल साइट, इनिशियल रे. किसको हमने कंसीडर किया इनिशियल रे? ओ एक्स को. तो यही से हम रोटेशन करेंगे. इसके आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो इसी को हम कंसीडर करेंगे इनिशियल रे. यू गॉट इट? तो यहां से हम रोटेशन करेंगे. अब देखो डायरेक्शन, यहां से रोटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहां पे पहुंच गए. से फॉर एग्जांपल, पहले बताओ ये कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल है. क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल रे से रोटेशन जब की, दैट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज पॉजिटिव एंगल. ठीक, कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है. पॉजिटिव एंगल है बट एक्यूट एंगल है. फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है. कितना है? 45. तो एक्यूट कहां कहां से है? 0 टू 90. अब देखो इनिशियली क्या था, जब ये इनिशियल साइड है, इनिशियल रे है, एंड व्हाट इज दिस? इट्स टर्मिनल. दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल. हमने कोई रोटेशन की, व्हाट्स द एंगल? 0 डिग्री. नहीं समझे? इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड व्हेन दे कोइंसाइड ईच अदर द एंगल इज 0 डिग्री. हाउ मच इज एंगल? 0 डिग्री. ठीक है ना, ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन की ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन. सो दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज योर टर्मिनल साइड, एंड हमने कोई रोटेशन नहीं की, दैट मींस द एंगल इज 0 डिग्री. अब हम रोटेशन शुरू करेंगे. रोटेशन करेंगे ऐसे, जब रोटेशन करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहे? एक्यूट एंगल. कहां तक? 90 तक, नॉट 90. यू गॉट इट? यहां से 0 आ रहा है. जब हमने रोटेशन शुरू की अप टू 90, एक्सक्लूडिंग 90 नहीं आ रहा इसमें, तो सारे एंगल्स कौन से बनेंगे? एक्यूट एंगल्स. ठीक, अब हम यहां पे पहुंचे, कौन सा एंगल बन रहा है? दिस इज नोन एज राइट एंगल. अब क्या बनाना चाहिए? राइट एंगल. सो दिस इज वन राइट एंगल, वन राइट एंगल. तो एक राइट एंगल कितना होता? अरे उतना मुश्किल नहीं है. एक राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्रीज. फर्स्ट इट इज 0 डिग्री, देन हमने रोटेशन शुरू की. ठीक है, तो रोटेशन शुरू करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एंगल्स आ रहे हैं लेकिन एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं. और जब हम यहां पे पहुंचे, व्हेन द टर्मिनल साइड इज ओ वाई, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे. बस आप ध्यान रखो. ठीक है, व्हेन द टर्मिनल साइड इज ओ वाई, देन इट्स वन राइट एंगल. एंड एक राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री. अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वो तो पॉजिटिव है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब चलते हैं आगे. और तो यहां से ही शुरू किया हमने, शुरू तो यहां से ही किया, तो आगे चलते हैं. यहां पे पहुंच गए, कौन सा एंगल बन रहा है? इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, वो तो हम आगे आपको बताएंगे. ग्रेटर देन 90. ठीक, अब ये तो पॉजिटिव है लेकिन 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा कौन से एंगल्स होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्स. ठीक है, तो ये इसमें ऑब्ट्यूस एंगल्स बनेंगे. यहां पे ये सारे ऑब्ट्यूस बनेंगे.
और जब हम यहां पे पहुंचेंगे, नो व्हाट्स द टर्मिनल साइड, ओ एक्स डैश, दिस इज इनिशियल साइड ओ एक्स, दिस इज टर्मिनल साइड ओ एक्स डैश, हाउ मच इज एंगल, इट्स टू राइट एंगल्स, क्या बोलेंगे, टू राइट एंगल्स, तो दो राइट एंगल कितना बनाते हैं, 180, इनिशियल इज है दिस, और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की, तो यहां पे पहुंचने के बाद ओ एक्स डैश पे पहुंचने के बाद यहां पे हम स्टॉप करेंगे ओ एक्स डैश पे, तो ये बन गया टर्मिनल साइड, कौन सा साइड, इनिशियल साइड, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, तो कुल मिला के एंगल बना दो राइट एंगल्स, तो दो राइट एंगल्स कितने होते हैं, 180, ठीक। अच्छा, जीरो से लेकर 90 तक, नॉट जीरो नॉट 90, जीरो से लेकर 90 तक कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। 90 पे पहुंचने के बाद इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्रीज। अब 90 से लेकर 180 तक, नॉट 90 नॉट 180, कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, ठीक है। तो ये सारे ऑब्ट्यूस है, और जब टर्मिनल साइड ओ एक्स डैश है तो कितने राइट एंगल्स बने, दो राइट एंगल्स कितने होते हैं, 180। अब आगे चलते और रोटेशन कहां से शुरू की, यहीं से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यहां पे पहुंचे ग्रेटर देन 180, तो ग्रेटर देन 180 क्या होता है, इसको कौन सा एंगल्स बोलते हैं, रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, सॉरी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 180। अब देखेंगे कहां तक। अच्छा, यहां पे पहुंचने के बाद कितना बन रहा है, थ्री राइट एंगल्स, दैट इज 270 डिग्री, वन राइट एंगल, टू राइट एंगल, थ्री राइट एंगल्स, तो कुल मिला के 3 × 90, दैट इज 270, लेकिन ये 270 भी रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है बेटा, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, एक तो ये एक अलग पर्टिकुलर एंगल है 270, मतलब थ्री राइट एंगल्स, और इसका नाम अगर एंगल्स में देखेंगे तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। आगे चलते हो, ये स्टिल रिफ्लेक्स है, और आगे चलेंगे फिर से रिफ्लेक्स है, कहां तक, कितने राइट एंगल्स आ गए यहां, 1 2 3 4, तो फोर राइट एंगल्स, एक राइट एंगल 90, तो फोर राइट एंगल, 4 × 90, दैट इज 360, फोर राइट एंगल मींस 4 × 90, दैट इज 360, कितना एंगल बन रहा है, अब साथ साथ बोलते जाओ कितना बनेगा, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, यहां तक वन राइट एंगल कितना, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स कौन से हैं, एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन से ऑब्ट्यूस, तो यहां तक पहुंचने के बाद टू राइट एंगल्स, 1 2 राइट एंगल्स कितना बनेगा, 180, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कौन से एंगल है, रिफ्लेक्स, 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 ये भी रिफ्लेक्स है, बट ये है 1 2 3 राइट एंगल्स, सो इट्स 270, बट इट्स रिफ्लेक्स। तो आगे चलेंगे, और कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स है, तो यहां पे 360, वन कंप्लीट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, वन कंप्लीट एंगल, होल एंगल, इट इज फोर राइट एंगल्स, इट इज 360। टेंथ में कितना पढ़ा था, जीरो से लेकर 90 तक, ठीक है। आज कहां पे पहुंचे, 360 तक। आगे चल, एंगल कितना बन रहा है, ध्यान रखो, दिस इज वर्टेक्स, यहां पे ही वर्टेक्स बनेगा, दिस इज इनिशियल साइड ओ एक्स, दिस इज ओ वाई, दिस इज ओ वाई डैश, दिस इज ओ एक्स डैश। अब बोलो मुझे कितना आ रहा है, 90, वन राइट एंगल, कितना आ रहा है, टू राइट एंगल, कितना आ रहा है, थ्री राइट एंगल, कितना होता है वो, 270, दिस वन 360, क्लियर, यस सर। अब देखा, अब मुझे कैलकुलेट करने करके बोलना कितना एंगल बन रहा है, 70, इट्स वन राइट एंगल, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, हाउ मेनी राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स, इट इज 720। तो आपका प्रोटेक्टर कहां तक है, सिर्फ 180 तक,
प्रोटेक्टर में कितना है 180, सिर्फ 180 है, लिमिटेड है। बोलो कितना है, कहां से रोटेशन हमने की, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कहां से, तो कितने राइट एंगल आ गए, फिर से चार राइट एंगल, बट 4 × −90 इट्स −360, दिस इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हम पढ़ रहे हैं डिग्री मेजर, अब डिग्री मेजर के अंदर हमने सीखा एक राइट एंगल कितना होता है 90। अगर हम ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के 90 पार्ट्स करेंगे 1, 2 बट इक्वल पार्ट्स 3, 4, इसमें तो 90 नहीं आएंगे, ठीक है, बट हम 90 पार्ट्स करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो एक एक पार्ट कितने डिग्रीज का होता है, 1 डिग्री का, ठीक है, समझ आ रहा है, yes, sir. तो ये कितना है 1 डिग्री, यू गॉट इट, yes, sir. अगर 1 डिग्री के बीच में कोई लाइन जा रही है यहां से, तो ये कितना है, अब ये 1 डिग्री से कम है ना, yes, sir. यहां से यहां तक 1 डिग्री है, अगर इसके बीच में कोई लाइन जाएगी तो कितना डिग्री इसका बन रहा है, 0.5, तो नहीं, ये तो बीच में नहीं जा रही है, तो थोड़ा इधर जा रही है, तो 1 डिग्री को जूम करके देखेंगे, ठीक है बेटा, 1 डिग्री को जूम करके देखेंगे, यहां पे छोटा दिख रहा है ना, इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है, यह है 1 डिग्री, कितना है, इसको कंसिडर करो आप 1 डिग्री, यू गॉट इट, देखो असल में क्या है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि असल पर क्लियर हो सके, क्या समझना, ये है 90, ठीक, इसके कितने पार्ट्स कर रहे, मान लो आप ये, तो इसके 90 पार्ट्स करोगे, एक पार्ट कितना होता है 1 डिग्री, कितना होता है 1 डिग्री, तो सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 31, कितना है, बहुत नजदीक है ना, बीच में गैप भी नहीं दिख रही है, ये 30 पहली लाइन जो मैं 30 डिग्री की डाल रहा हूं, लाइन 30 डिग्री नहीं होती है, यहां पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरी लाइन किसके लिए डाली, 31 डिग्री के लिए, तो इनके बीच में गैप है नहीं है ना, तो क्या इनके बीच में लाइन जा सकती है, इस एंगल को हम, ये जो हम एंगल डालते हैं ना, इसको हम यहां पे डालेंगे, अब इनके बीच में गैप दिख रही है, yes, तो इनके बीच में और लाइन पास हो सकती है, yes, यहां पर डालेंगे, जितना जितना आप आगे जाओगे आपको नजर आएगा कि गैप तो ज्यादा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप यहां पहुंच, अब गैप जो है वो और ज्यादा दिखेगी, क्लियर, आगे यहां पे ड्रा करोगे अब और गैप ज्यादा क्लियर दिखेगी, अरे यहां पे तो बहुत ज्यादा है, नहीं समझा, एंगल्स तो वही है ना 30 डिग्री एंड 31 डिग्री, अगर आप और आगे जाओगे और आपको गैप ज्यादा दिखेगी, अब जब इसी पॉइंट से इसी वर्टेक्स आप लाइन इसको ड्रा करोगे, इसके बीच में से और कितनी, हाँ अगर लाइन यहां से पास हो रही है मिडल में, तो ये 30 डिग्री था, ये 31 डिग्री है, तो मतलब ये 30.5 है, कितना है 30.5, ठीक, अगर यहां से पास हो रही है तो 30.25, अब इसको तो हम गैस नहीं कर सकते, अब देखो क्या करना होता, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री के अंदर एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, उस 90 डिग्री के हम 90 पार्ट्स करेंगे तो एक एक पार्ट कितना होगा 1 डिग्री, एक एक पार्ट कितना होगा, आप क्या ध्यान रखो, एक एक पार्ट 1 डिग्री का होगा, उस 1 डिग्री के अगर हम 60 हिस्से करेंगे कितने 60. 1 डिग्री के, मान लो ये 1 डिग्री है, ये मान लो 1 डिग्री है, ठीक, इसके कितने पार्ट्स करेंगे 60 पार्ट्स, एक एक पार्ट को हम एक एक मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। तो मेजरमेंट आपने सिर्फ डिग्री पढ़ा था, अब आपने नया यूनिट सीखा, दैट इज मिनट। ठीक, तो एक डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। जस्ट लाइक इन वन आवर देयर आर 60 मिनट्स, सिमिलरली इन वन डिग्री देयर आर 60 मिनट्स, और मिनट को डेट से डिनोट करते हैं। आपने क्या सुना था? 30 डिग्री, 31 डिग्री, इनके बीच में भी जो एंगल्स बन रहे हैं उनको आप इग्नोर करते थे, अब आपको इग्नोर नहीं करना है, अब उनको भी हम कंसिडर करेंगे। तो एक डिग्री के कितने हिस्से हमने किए? कितने किए? 60 हिस्से। तो एक एक हिस्सा कितना है? 1 मिनट। ठीक है, तो एक डिग्री के अंदर कितने होते हैं? 60। एक राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट। अब ये कौन कितना है? ये वाला, ये क्या है? 60 मिनट नहीं, ये तो पूरा एक डिग्री है ना, पूरा कितना है? एक डिग्री। इसके मैंने कितने पार्ट्स किए मान लो? 60 पार्ट्स। इसमें से एक पार्ट हम बाहर निकाले, एक पार्ट, ये कितना है? इट्स 1 मिनट। ठीक, अब इस 1 मिनट के अंदर से भी लाइन्स पास होती है, तो इसके भी हिस्से होंगे। तो एक मिनट के अगर हम, एक मिनट ये एक डिग्री नहीं है, ये 30 डिग्री नहीं है, कितना है? स्मॉल यूनिट, दैट्स 1 मिनट, जिसको हम आज तक हमने इग्नोर किया था। इस मसा मसा माना 30 पश्चिम 31 डिग्री, 31 के बाद क्या आता है? बीच में जो लाइन्स पास हो रही है उनको हम कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन इस बार हमने उनको कंसिडर किया कि वो मिनट्स होते हैं। ठीक, तो एक डिग्री के कितने हिस्से किए? 60 पार्ट्स, तो कितने मिनट्स बन गए? 60 मिनट्स। उनमें से एक पार्ट जो वो कितना होता है? 1 मिनट। उस 1 मिनट के भी अगर हम 60 हिस्से करेंगे तो सेकंड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 60 सेकंड्स। डिग्री मेजर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेकंड। यू गॉट इट? यस सर। डिग्री मेजर के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना मीटर, देखो किलोमीटर, देन इट्स मीटर, देन इट इज सेंटीमीटर, देन इट्स मिलीमीटर। ठीक है, हमारी स्केल पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? मिलीमीटर। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे डिग्री मेजर की, हमने तो डिग्रीज पढ़ा था, अब हम डिग्रीज को भी हिस्से कर रहे हैं। एक डिग्री के भी हम हिस्से कर रहे हैं, कितने हिस्से कर रहे हैं? 60। तो क्या बन गए? 60 मिनट्स। अब उस एक मिनट के भी हम हिस्से कर रहे हैं, तो क्या बन गए? सेकंड। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, तो याद रखो, वन राइट एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्री। 1 डिग्री इज 60 मिनट। 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। समझ आया बेटा? तो ये है डिग्री मेजर। क्लियर? एक राइट एंगल रोटेशन करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करोगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। क्लियर? अब हमने जब राइट एंगल देखा तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। एक डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। एक मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री मेजर। अब चलते आगे, अपना एंगल इन रेडियंस, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। सुनो बेटा, आप यहां ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियन मेजर। लेट अस टेक ए यूनिट सर्कल, कौन सा लेंगे? आपको पता है यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? हूज रेडियस इज 1। पॉइंट सर्कल पता है? पॉइंट सर्कल नहीं पता है। इमेजिनरी सर्कल? अच्छा, रेडियस की 3 कंडीशंस है। रेडियस, रेडियन मेजर को छोड़ो, पहले रेडियस पे देखते हैं। रेडियस इज आर, इफ आर इज ग्रेटर देन 0, इफ आर इज इक्वल टू 0, इफ आर इज लेस देन 0। हमारे पास कंपास है, दिस इज द कंपास। ठीक है, जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं ना, दो चीजें हमारे पास होती है, एक सेंटर कि कंपास को कहां पे रखे, और दूसरा कंपास को कितना वाइड करे, इसको रेडियस बोलते हैं। अभी बोलो कंपास, इसका रेडियस कितना है? 0 है। ठीक है, कंपास मेरे पास हाथ में कंपास है, तो इसका रेडियस कितना है? 0। आप सर्कल को ड्रा करो, सर्कल ड्रा होगा? सर्कल कैसा ड्रा? ये मान लो आप, ये सर्कल कंपास की टिप भी है, ये कंपास की, कंपास का पेंसिल भी है, दोनों चीजें एक साथ है, कोइंसाइड, बिल्कुल साथ साथ।
तो मैं सर्कल ड्रा करने की कोशिश करूंगा, क्या बन रहा है? पॉइंट बन रहा है। रेडियस कितना है? जीरो है, ठीक है। रेडियस मैंने कोशिश की सर्कल ड्रा करने की, लेकिन सर्कल नहीं बना, एक पॉइंट बना। और आपने देखा होगा पॉइंट हमेशा सर्क्यूलर होता है। पॉइंट पॉइंट क्या होता है? सर्क्यूलर होता है। जब भी आप कोई पॉइंट ड्रा करते हो पॉइंट सर्क्यूलर होता है। इट्स लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट हूज रेडियस इज जीरो, सो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट सर्कल। तो ये रेडियस जीरो शास आई पुट सर्कल बाय इट्स आई पुट पॉइंट मींस पॉइंट सर्कल, ठीक। व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन जीरो, ये मेरे पास कंपास है, ठीक है। इसको हम इसकी खुद थोड़ी लेंथ लेंगे हम, से फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे। तो सर्कल ड्रा किया तो सर्कल तो ड्रा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रियल सर्कल, वाकई में सर्कल बन गया, ठीक। आर इज इक्वल जीरो पे कोई सर्कल नहीं बन रहा है, बेसिकली एक पॉइंट बन रहा है, इसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं। आर ग्रेटर देन जीरो पे एक वाकई एक सर्कल बन रहा है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रियल सर्कल। अब सबसे मिनिमम रेडियस कितना होगा? जीरो। क्या जीरो से कम होगा? क्या जीरो से कम रेडियस होगा? कंपास, ठीक है, दो हिस्से कंपास। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, कम करेंगे कितना आया? देन 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 एंड देन जीरो। m कम कैसा है? m कम कैसा है? तो रेडियस के भी लेस देन जीरो नहीं होगा। अगर रेडियस के भी लेस देन जीरो नहीं होगा तो क्या सर्कल बनेगा? ठीक है, बनेगा एक ख्याली सर्कल, उसको इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। वो आप यहां पे नहीं ड्रा कर सकते, उस सर्कल को आप यहां पे ड्रा, यहां पे सबसे मिनिमम रेडियस सबसे कम रेडियस होता है जीरो, जिससे पॉइंट सर्कल बनता है, उसके बाद रियल सर्कल बनता है। व्हेन रेडियस इज लेस देन जीरो तो सर्कल ड्रा नहीं होगा, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल। क्या बोलेंगे? ठीक। अब बोलो यूनिट सर्कल किसको बोलेंगे? यूनिट सर्कल इज दैट वेरी सर्कल हूज रेडियस इज वन, हूज रेडियस इज वन। सो हमें यूनिट सर्कल ड्रा करें, लेट अस ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट। ये हो गया रेडियस ओ ए, ठीक है बेटा, ट्राई बता, जमीन इंडिकेशन, यू गॉट इट? यस सर। रेडियस कितना है इसका? वन। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पड़ा है इसके बराबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो इस बार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है? 2 पाई। कितना है? 2 पाई। जो कुछ था इस बार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है? 2 पाई। अच्छा एक और चीज, अगर हम इस सर्कमफेरेंस के चार हिस्से करेंगे, कितने हिस्से? चार हिस्से करेंगे सर्कमफेरेंस के, चार हिस्से हम करते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस कितना बचेगा? 2 पाई बाय 4। चार हिस्से करने ना इस बाउंड्री के, अगर ये 100 सेंटीमीटर है, अगर इसकी बाउंड्री 100 सेंटीमीटर है, तो उसके चार हिस्से करो, एक हिस्सा कितना बचेगा? 100 बाय 4 दैट्स 25 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफेरेंस कितना है? अभी सर्कमफेरेंस रेडियस वाले, अभी सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई है, है ना? इसके चार हिस्से करो तो डिवाइडेड बाय 4, सो 2 1s are 2 2s are 5 by 2। अब देखो चार हिस्से कैसे करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने, 1 2 3 and 4 हो गए चार हिस्से। तो ये वाला लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? इस सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी है? पाई बाय 2। कितनी है इसकी लेंथ? 2। नहीं समझा? यस सर। इसकी लेंथ कितनी है? पाई बाय 2। यू गॉट इट? यस सर। मैं रिपीट करता हूं, हमने कौन सा सर्कल लिया? यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस 1 है, तो उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। यहां ध्यान रखो बस, तो हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया। पहला पॉइंट, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। रेडियस कितना है? 1 है, तो कितना बनेगा? 2 पाई। उस 2 पाई के हमने उस सर्कमफेरेंस के कितने हिस्से किए, तो कितना बनाया एक हिस्सा? 2 पाई बाय 2। यू नो व्हाट्स पाई? पाई इज इरेशनल नंबर, क्लियर? तो मैंने चार हिस्से किया इसे। अब देखो मैं डिग्री से इसको कंपेयर करूंगा, पहले ये मानो ओ, ये एक्स डैश, ये वाई डैश,
y dash and y. This is initial side. अब देखो यहां से हम रोटेशन शुरू करेंगे, यहां तक ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. यू गॉट इट? यस सर. ये बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है बेटा. और ये क्या है, अगर सर्कल की बात करें, ये लेंथ ऑफ आर्क है. यस सर. यह ना आर्क, इसकी लेंथ कितनी है, पाई बाई टू. और यहां पे क्या बन रहा है, एंगल थीटा. एंगल थीटा, ठीक है गुरु जी. सर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. एंगल इन रेडियंस थीटा विच इज इक्वल टू एल बाई आर. एल कितना है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, पाई बाई टू, ठीक. डिवाइडेड बाय आर कितना है, वन. तो थीटा कितना बन गया, पाई बाई टू. ये एंगल है, डिग्रीज में नहीं है, किसमें, एंगल इन रेडियंस. एंगल इन रेडियंस तो पाई बाई टू कितने डिग्रीज होते हैं, पाई बाई टू होता है 90 डिग्रीज. नहीं समझे? Yes, समझ आया? Yes, कंपैरिजन तो अभी नहीं करना था, अभी मुझे आपको कुछ और सिखाना था कि एंगल इन रेडियंस जो थीटा बनता है ना, वो किसके बराबर होता है, एल बाय आर. एल बाय सपोज यू हैव द सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट एंड सपोज एंगल इज द लेंथ ऑफ आर इज 7. रेडियस कितना है, 3. सपोज लेंथ ऑफ आर कितना है, 7. तो मुझे कोई बताएगा एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर व्हिच इज 7/3. डिग्री नहीं है ये, डिग्रीज नहीं है ये, क्या है, ये एंगल इन रेडियंस है. एंगल इन रेडियंस, रेडियंस. यू गॉट इट? यस सर. लेकिन अभी आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आ गया, हम पढ़ रहे हैं एंगल इन रेडियंस. आपको पता है इसको पढ़ने का मकसद क्या है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री नंबर लाइन पे ड्रॉ लो, कहां पे, वेयर इज 30 डिग्री ऑन द नंबर लाइन है. तो 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री या 40 डिग्री, मतलब इन डिग्रीज, 30 डिग्री का रियल वैल्यू होता है या नहीं होता है, 90 डिग्री, जरा ढूंढो नंबर लाइन पे 90 डिग्रीज, क्या 90 डिग्री कोई रियल वैल्यू है, अभी पता चलेगा, ठीक है. 90 डिग्री क्या 90 होता है, 90 अलग चीज है और 90 डिग्री अलग चीज है. 90 डिग्री इज नॉट 90 ऑन द नंबर लाइन. यू गॉट इट? यस सर. 90 डिग्री अगर आप नंबर लाइन पे ढूंढोगे, मतलब नंबर लाइन पे किसको हम ढूंढते हैं, रियल वैल्यूज. हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस, तो रियल्स की बात करेंगे, ठीक है. yes, तो 90 डिग्री अगर आप नंबर लाइन पे ढूंढोगे ना, तो वो 90 नहीं होता है. 90 डिग्री किसके बराबर है, पाई क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अगर मैं बताऊं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई इज 22/7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल 90 डिग्री. तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 44/7 7/6 = 42. तो बचे दो, इट्स अप्रोक्सीमेटली 6.3 अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, क्योंकि पाई तो इरेशनल वैल्यू है ना, ठीक है. तो 90 डिग्री को नंबर लाइन पे अगर ढूंढना होगा ना, तो कहां पे वो लाइन करता है, 6.3 के आसपास. कहां पे? 6.3. नहीं समझा अभी तक भी नहीं समझे. रेडियन मेजर पढ़ने का क्या मकसद है, डिग्रीज का रियल वैल्यू ढूंढना. 90 डिग्री नंबर लाइन पे कहां लोकेट होता है, उसको ढूंढना. तो 90 डिग्री का नंबर लाइन पे कहां पे वैल्यू है, पाई बाई टू. वो किसके आसपास है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6.3. तो 0 डिग्री, 0 अगर यहां पे है, 6 अगर यहां पे है, 7 अगर यहां पे है, तो 90 डिग्री यहां पे कहीं पे मौजूद है. अभी तक भी नहीं समझे? अब समझ आया? Yes, तो 90 डिग्री बेसिकली हम रेडियन मेजर क्यों पढ़ रहे हैं, डिग्रीज का रियल वैल्यू ढूंढना. और अगर 90 डिग्री की बात करेंगे, तो 90 डिग्री किसके बराबर है ना, अब नंबर लाइन पे ढूंढो, पाई का वैल्यू जिस दिन पता चलेगा
अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपको पता है 3.14 डिवाइड बाई 2 या 22/7 डिवाइड बाई 2, तो इसी के आसपास कहीं पे 90 डिग्री लोकेट हो। ठीक, आपने 30 डिग्री देखना है, 30 डिग्री को नंबर लाइन पे ढूंढना, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? रेडियन मेजर। जब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा? उसका रियल वैल्यू। किसका रियल वैल्यू? 30 डिग्री। आपने 45 डिग्री का रियल वैल्यू ढूंढना है, तो इसको इसका रियल वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में, जो इसका रेडियन मेजर में वैल्यू होगा वही नंबर लाइन पे पॉइंट है। समझ आ रहा है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एंगल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव कैसे बनेगा? ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिग्री मेजर, वन राइट एंगल इज 1 degree is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds, ठीक है? तो अभी तक हमने सबसे लीस्ट यूनिट क्या पढ़ा? डिग्री का 60 minute, नहीं seconds, ठीक है? Seconds, you got it? Second सबसे लीस्ट, सबसे छोटा यूनिट है डिग्री मेजर में। फिर हम रेडियन मेजर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डिग्रीज का रियल वैल्यू नंबर लाइन पे ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो रियल वैल्यू, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। व्हाट्स थीटा? थीटा इज एंगल इन रेडियंस। व्हाट्स एल? लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर। एंड व्हाट्स आर? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर कभी भी आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन होगा आप एंगल निकाल सकते हो, अगर कभी भी आपको एंगल और रेडियस गिवन होगा आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो, अगर कभी भी आपको एल और थीटा गिवन होगा आप रेडियस निकाल सकते हो। सो दिस अल्फा टुडे, बाकी को इंशाल्लाह। ठीक है, इस पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी पापा थोड़ा बहुत आवाज समझ। यस सर।